ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण का अपना महत्व है। साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण अक्टूबर महीने में लगने वाला है। अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी 2 अक्टूबर को यह ग्रहण लगेगा। इस दिन पितृ अमावस्या भी है। यह ग्रहण कब से कब तक रहेगा, भारत में इसका क्या असर होगा, इस ग्रहण का सूतक काल कब से शुरू होगा, आपके मन में भी यदि ये सवाल है तो काशी के ज्योतिषाचार्य स्वामी कन्हैया महाराज से आज ही इन सभी सवालों के जवाब आप जान लीजिए। स्वामी कन्हैया महाराज ने बताया कि 2 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के साथ अटलांटिक क्षेत्र, अर्जेंटीना, प्रशांत महासागर, पेरू समेत कई देशों में दिखाई देगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार 2 अक्टूबर को बुधवार के दिन यह ग्रहण लग रहा है। भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:42 से इसकी शुरुआत होगी और रात 9:47 तक यह ग्रहण समाप्त होगा। यह ग्रहण 6:05 की अवधि का होगा। स्वामी कन्हैया महाराज ने बताया कि चंद्र ग्रहण के 9 पहले और सूर्य ग्रहण के 12 पहले सूतक काल की शुरुआत होती है। सूतक काल का असर वहीं होता है जहां ग्रहण दिखाई देता है। जहां ग्रहण नहीं होता वहां सूतक काल मान नहीं होता है। 2 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण है जो अंतिम भी है। यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि इसका सूतक 12 पहले ही पड़ जाता है, लेकिन यह भारत में यह दुश्मन नहीं है, अतः भारत के लोगों को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह विदेशों के कुछ भागों में यह इसका असर होगा और यह दोपहर को 3:42 से लेकर रात को 9:47 तक यह ग्रहण है। इस दौरान यह मान्यता है कि इस दौरान देवताओं का पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, उस दौरान शांति के साथ भगवान का दर्शन करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। यह सूर्य ग्रहण बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही व्यापक है, क्योंकि यह नवरात्र पहले ही पड़ने जा रहा है, तो इसलिए इसका विशेष, इसके अंदर ग्रहों का चक्र ऐसा विशेषता है, इस दिन इसे किसी प्रकार का कोई दान उन किया जाए या जाप किया जाए प्रभु का, तो सारे कार्य बनते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ओम घृण घृण सूर्याय नमः मंत्र का जाप यदि सच्चे मन से किया जाए इस दौरान तो बहुत सारे कार्य की फलीभूति होती है। नहीं तो ओम नमः शिवाय जो शिव पंचाक्षरी मंत्र है, इसका भी पूजा पाठ करने से शिव की बड़ी कृपा प्राप्त होती है और मनोकामनाएं सिद्ध होती है।